चलिए दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए आ गया हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो दोस्तों एंट्री लेवल से लेकर फ्लैगशिप स्मार्टफोन बनाती है, जिसमें दोस्तों ए सीरीज के स्मार्टफोन एंट्री लेवल के स्मार्टफोन होते हैं, जबकि दोस्तों रेनो सीरीज के स्मार्टफोन फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं। दोस्तों हाल ही में कंपनी ने ओप्पो रेनो 5 प्रो एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, और जिसको दोस्तों इंडिया में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तभी से दोस्तों चर्चा थी कि रेनो सीरीज का एक और नया वेरियंट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों इन सभी अटकलों को फुल स्टॉप लगाते हुए ओप्पो कंपनी ने रेनो सीरीज का एक और नया वेरिएंट रेनो 5F स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों 48 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों 8GB रैम दी गई है। यह स्मार्टफोन दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, और दोस्तों इंडिया में यह स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है, इन सभी के बारे में बात करते हैं। फिलहाल दोस्तों ओप्पो रेनो 5F को केन्या में लॉन्च किया गया है, तो आइए दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं रेनो 5F के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच की पंच होल सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। गेम मोड में फोन का टच सैंपलिंग रेट 120Hz हो जाता है। एंड्रॉइड 11 पर आधारित यह स्मार्टफोन कलर वेस 11.1 पर काम करता है। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसर के। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में पावरफुल दमदार प्रोसेसर दिया गया है। मीडियाटेक के हेलियो P95 प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है, जो दोस्तों एक ऑलराउंडर प्रोसेसर, जिसमें दोस्तों आप डेली टास्किंग और मल्टीटास्किंग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों ये गेमिंग प्रोसेसर भी माना जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। कैमरे की बात करें तो कैमरा दोस्तों रेनो 5F का हाईलाइट फीचर है, और वैसे भी दोस्तों ओप्पो के स्मार्टफोन कैमरा फोन होते हैं। दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लेंस आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। वही दोस्तों वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की बात करें तो फ्रंट साइड आपको 32 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों बेहतरीन कैमरा मोड इस स्मार्टफोन में फ्रंट और बैक दोनों साइड आपको देखने को मिलने वाले हैं। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 4310 मेगाहर्ट्ज की दमदार बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 30W सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट दिया गया है। ओप्पो रेनो 5F को 2 कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है, जिसका कलर दोस्तों पहला है ब्लैक और दूसरा है पर्पल। स्मार्टफोन को कंपनी ने सिंगल रैम और स्टोरेज वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है। 8GB रैम और 128GB फोन स्टोरेज के साथ यह स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस स्मार्टफोन को केन्या में लॉन्च किया गया है, जिसकी इंडियन रुपीस में प्राइस करीब 21,000 के आसपास होती है। हाल ही में इंडियन मार्केट में ओप्पो कंपनी ने F सीरीज के 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जिसमें से दोस्तों एक 4G है और दूसरा है 5G। फिलहाल तो दोस्तों ओप्पो रेनो 5F भारतीय बाजार में कब लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन दोस्तों अप्रैल महीने के एंड तक इस स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है, और दोस्तों इसकी प्राइस करीब 25,000 के आसपास इंडिया में रहने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।